लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज प्लैनेट समाचार ग्रह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, समाचार ग्रह में आपका स्वागत है। बिजनौर के चांदपुर में दिन दहाड़े सशस्त्र बदमाशों ने की लाखों रुपए की लूटपाट। स्टाम्प विक्रेता से 8 लाख के स्टाम्प व 50,000 की नकदी लूट कर फरार हुए। विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे की बट मारकर किया घायल। बाइक सवार बदमाश हुए फरार। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक स्टाम्प विक्रेता से अज्ञात बदमाशों ने शास्त्रों के बल पर लाखों की लूट को अंजाम दिया। बिजनौर के एसपी ने बताया कि चांदपुर स्टाम्प विक्रेता पवन कुमार चांदपुर से धनोरा को अपनी कार से स्टाम्प विक्रेता 8 लाख के स्टाम्प 50,000 नगद लेकर जा रहे थे, जहां अज्ञात बदमाशों ने उनके साथ घटना को अंजाम दिया। समाचार गृह के लिए तारिक शेख की रिपोर्ट। थाना चांदपुर के पवन कुमार मित्तल स्टाम्प विक्रेता हैं। ये अपने गाड़ी जैन गाड़ी में ड्राइवर के साथ एक बैग में 8 लाख के स्टाम्प पेपर और 50,000 रुपये रखकर अमरोहा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दो बाइक सवार बदमाशों ने इनका वो बैग छीन लिया है और फरार हैं। पुलिस टीमें लगी हुई हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर चारों तरफ नाकेबंदी करवाई है। चेकिंग चल रही है। बदमाशों की तलाश के लिए टीमें लगी हुई।